24 मैं हूं मनीषा सिंह चौहान। टीवी के पॉपुलर कपल्स की लिस्ट में राम कपूर और गौतमी कपूर का नाम शामिल होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि गौतमी राम के पहले प्यार नहीं है और ना ही वो उनके पहले हस्बैंड है। अपने पहले पति से तलाक के बाद महाराष्ट्रियन गौतमी पंजाबी राम कपूर को दिल दे बैठी और फिर दोनों ने फिल्मी अंदाज में शादी भी कर ली। क्या आपको पता है कि इन दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं है? इसमें ट्विस्ट भी है और ड्रामा भी। गौतमी कपूर टीवी की टैलेंटेड और दिग्गज अभिनेत्रियों में से है। आज गौतमी का जन्मदिन है। 21 जून 1974 को महाराष्ट्र में जन्मी गौतमी 47 साल की हो गई हैं। गौतमी को अगर परफेक्ट हाउसमेकर कहें तो भी गलत नहीं होगा। एक्टिंग से ज्यादा वो अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देती हैं। हालांकि उन्होंने एक्टिंग को भी पूरी तरह से अलविदा नहीं कहा है। गौतमी हॉट स्टार की थ्रिलर सीरीज स्पेशल ओप्स का हिस्सा है। स्पेशल ओप्स के दोनों सीजन में गौतमी ने काम किया था। साथ ही वो बीते साल जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 में भी दिखाई दी थी। गौतमी एक्टिंग से ब्रेक लेती रहती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो बेहद एक्टिव हैं। अक्सर वो अपने पति राम कपूर के साथ वीडियो शेयर करती रहती हैं। फैंस को राम और गौतम की क्यूट केमिस्ट्री बेहद पसंद आती है। राम और गौतमी की शादी को 19 साल हो गए हैं। दोनों दो बच्चों के पेरेंट्स हैं। बेटी का नाम सिया है तो इनके बेटे का नाम अक्स है। वैसे गौतमी और राम कपूर की रियल लाइफ लव स्टोरी भी कम फिल्मी नहीं है। इनकी लव स्टोरी में रोमांस तो है ही, साथ ही बहुत सारा सस्पेंस, ड्रामा और थ्रिल भी है। अपने ऑन स्क्रीन देवर को दिल दे बैठी थी शादीशुदा गौतमी गाडगिल। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि गौतमी ने राम कपूर के साथ दूसरी शादी की है। राम कपूर को जीवन साथी बनाने से पहले गौतमी ने जाने माने प्रोफेशनल फोटोग्राफर मधुर श्रॉफ से शादी की थी। हालांकि गौतमी और मधुर की शादी ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाई थी। शादी के कुछ वक्त बाद ही गौतमी और मधुर आपसी सहमति से तलाक लेकर अलग हो गए थे। वहीं गौतमी की जिंदगी में सच्चा प्यार बनकर आए थे राम कपूर। साल 2000 में आई सीरियल घर एक मंदिर की शूटिंग के दौरान राम कपूर और गौतमी की मुलाकात हुई थी। सीरियल में गौतमी ने राम कपूर की भाभी का रोल प्ले किया था। हालांकि शूटिंग के दौरान ही दोनों को एक दूसरे को अच्छे से समझने का मौका मिला और इनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। दिल की बात सीधा जुबान पर लाने के लिए फेमस राम कपूर ने कुछ वक्त की डेटिंग के बाद ही गौतमी को सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। प्यार को शादी की मंजिल तक पहुंचाना भी इनके लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि राम टिपिकल पंजाबी हैं तो गौतमी महाराष्ट्रीयन फैमिली से आती हैं। पंजाबी और मराठी के बीच का ये तालमेल जबरदस्त है। वैसे यही वजह इनकी शादी के बीच सबसे बड़ा रोड़ा भी बनी थी। मराठी गौतमी के पेरेंट्स को पंजाबी लड़के से बेटी की शादी करने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन दोनों ने अपने प्यार के आगे परिवार वालों को झुका ही दिया। अपनी शादी के लिए इस कपल ने वैलेंटाइंस डे की रोमांटिक दिन को चुना था। 14 फरवरी 2003 को राम और गौतमी ने शादी की थी। राम कपूर आज टीवी इंडस्ट्री के सबसे महंगे एक्टर्स में से एक है। राम कपूर और गौतमी का मुंबई में अपना एक आलीशान फ्लैट है, जिसकी झलक आप राम और गौतमी के इंस्टा पोस्ट में भी देख सकते हैं। अपने मुंबई वाले घर को राम और गौतमी ने बेहद क्लासी अंदाज में सजाया है। वहीं बीते साल राम और गौतमी अपने अलीबाग वाले हॉलीडे होम की वजह से चर्चा में आए थे। मुंबई से सटे अलीबाग में राम कपूर ने 20 करोड़ की कीमत का शानदार घर खरीदा है। राम का यह घर अंदर से इतना खूबसूरत है कि किसी का भी दिल यहाँ बसने का कर जाए। राम और गौतमी के इस घर की इनसाइड तस्वीरें भी इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।